नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, गणपति भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए दरभंगा में जो एक धार्मिक आस्था है उसका सैलाब उमड़ पड़ा। पहले इतनी गणपति भगवान की पूजा अर्चना प्रतिमा के साथ नहीं की जाती थी, लेकिन अब कई पूजा जो संगठन हैं वो पूरी तरह धार्मिक भावना को जनता तक पहुंचाने के लिए, और कहा जाता है कि श्री गणेश भगवान की पूजा से ही सारे काम प्रारंभ होते हैं। और आपको शायद याद होगा कि इस बार एम्स का निरीक्षण और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही किया गया था। आज हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा में वर्षों से जो ओम प्रकाश खेड़िया के आवास पर गणपति बप्पा की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना होती है वो अधूरा है। इसके अलावा बता दें, नाका नंबर 6 पर काफ़ी ज़्यादा बजरंग दल के सदस्य एवं पूरी टीम के द्वारा गणपति भगवान की पूजा अर्चना की गई है। बेलवागंज में भी गणपति भगवान की पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से की जा रही है। दोनार चौक पर की जा रही है, मदारपुर में की जा रही, कई जगह हम आपको एक एक कर दिखाएंगे। देखिए, पूरी तरह गणपति भगवान की पूजा अर्चना की इतनी श्रद्धा और धूमधाम से दरभंगा लगातार होता है, और इनके दादा परदादा ही शुरू किए थे इन पूजा को, तो ये 87 माह लगातार पूजा है। बहुत धूमधाम से 6 दिन तक ये पूजा जो है मनाया जाता है। इंडिया परिवार में ये पर्सनल अपने पूजा करते हैं। दरभंगा में मात्र एक राग में पूजा होता था, और उसके बाद दूसरा ये यहाँ होता था। इसके अलावा कहीं नहीं गणपति पूजा जो है मदारपुर वार्ड नंबर 28। बहुत ही ये 29वां साल है, बहुत अच्छे से हो रहा है पूजा, बहुत अच्छा तरीका से सब लोग का पब्लिक का एकदम सहयोग से एकदम बढ़िया से धूमधाम से मनाया गया है। 5 दिन आज 5वां दिन में या 6वां दिन आज विसर्जन हो रहा है। यहाँ से 6 बजे के लिए यहाँ कुछ ने संस्कृत प्रोग्राम था। मेरा नाम करण है, ये मदारपुर है, ये दरभंगा के एक छोटा सा जगह मदारपुर है जहाँ भव्य तरीके से गणेश पूजा किया जाता है। यहाँ 5 दिन का त्यौहार है जहाँ सब लोग बहुत हंसी खुशी बनाते हैं। यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जैसे महाआरती, मिथिला डांस को भी एक बार नहीं 2 बार है ना, सब हंसी खुशी यहाँ गणेश पूजा का आगमन करते हैं, है ना, गणपति बप्पा का आगमन करते हैं और खुशी खुशी उन्हें विदा भी करते हैं। तो यही मेरा कहना था कि ये हमारा देख ही सकते हैं पंडाल हमारा गणपति बप्पा का, मतलब अभी से नहीं करीबन 30 साल प्लस बहुत सालों से यहाँ गणपति पूजा मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी खुशी सब यहाँ मनाते हैं। तो मेरा बस यही कहना, आज तो गणपति बप्पा का विदाई है ना, आज है विसर्जन, तो खुशी खुशी ने विदा किया। भोग के साथ पूजा 6ठा पूजा सम्पन्न हुआ, और कल 7वां पूजा करके हम लोग 7वां विसर्जन करेंगे 13 तारीख को संध्या में।